दोस्तों पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड का मेरे को कहानी अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो गेम चल ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस गेम का आपको रिव्यू नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई नो ओनली कि मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अभी चल रहा है, 40 मिनट हुआ है फर्स्ट हाफ देख करके। मेरे कुछ इनिशियल रिएक्शंस ये हैं कि डॉर्टमुंड ने पीएसजी को बहुत अच्छे से कवर करके रखा है एंड पीएसजी को कुछ कमाल का ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू भाई साहब यू नो बीट पीएसजी। लेकिन बस एक मेरे को डर ये है कि सेकंड हाफ में डॉर्टमुंड की डिफेंस थोड़ी सी जो है वो थकी हुई नज़र आ सकती है, जिससे पीएसजी के चांसेस ओवर द काउंटर अटैक बेटर शायद नज़र आ जाए। दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। अभी गेम चल ही रहा है और मेरी तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो मैं जग नहीं पाऊँगा ज़्यादा। बाकी आज की वीडियो में हम लोग बात करने, मेरा लुक, मेरी आवाज़, मेरा चेहरा वो आज आप इग्नोर मारिए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन या आज की वीडियो में हम लोग जो है वो भाई बात करने वाले हैं विनीशियस जूनियर का लफड़ा भी तरह हुआ। ऐसा 1-to-1 लफड़ा तो नहीं हुआ है बट ऑनलाइन ई लफड़ा जो है वो अपन को होते हुए नज़र आया है। रोनाल्डो का लास्ट डांस विद पोर्चुगल क्या कहानी है, और तो और बात करने वाले सेंचो टू मैड्रिड, ये भाई अचानक से खबर निकल करके आई है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जिसके चलते ये खबर निकल करके आई है एंड थियागो सिल्वा का जो है वो नया क्लब भी अपन को जो है वो देखने को मिला। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आता हूं। एनीवेज दोस्तों, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं थियागो सिल्वा के बारे में। सो दोस्तों, थियागो सिल्वा का जो है वो भाई फ्यूचर क्लब सामने आ चुका है। थियागो सिल्वा विल बी रिटर्निंग टू हिज बॉयहुड क्लब। बॉयहुड क्लब में जो है वो भाई इन्होंने यूरोप आने से पहले जो है वो खेला, और यूरोप में आकर के इन्होंने पीएसजी के साथ कई सारी ट्रॉफी जीती, और एक ही चीज़ उनकी बची हुई थी और वो थी चैंपियंस लीग, और वो चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग भी उठा लिए। तो आफ्टर हैविंग अ फिनोमिनल सीजन एट यूरोप, फिनोमिनल सीजन नहीं बोलूंगा, फिनोमिनल टाइम एट यूरोप, भाई साहब ही इज रिटर्निंग बैक टू हिज बॉयहुड क्लब इन ब्राज़ील। बॉयहुड क्लब इनका फ्लुमिनेंसे है। एकेजी भाई गेटिंग द प्रोनंसिएशंस राइट इवन इन बीमारी, ठीक है। तो फ्लुमिनेंसे के साथ जो है इन्होंने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर लिया है। ऑल दो चीज़ें ऑफिशियल तभी होंगी जब ट्रांसफ़र विंडो चालू होगा, और ट्रांसफ़र विंडो कब चालू होगा ये हमने कल की जो है वो वीडियो में डिस्कस किया है। सो गुड न्यूज़ फॉर थियागो सिल्वा दैट ही इज़ भाई साहब रिटर्निंग बैक टू हिज ब्राज़ीलियन क्लब, एंड इट्स नाइस टू सी कि भाई उन्होंने अपने पूरे ड्रीम्स फुलफिल करे यूरोप में, ही इज़ रिटर्निंग बैक दिया। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है जिडन सैंचो टू मैड्रिड। ऑब्वियसली दोस्तों, अभी गेम चल ही रहा है पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड, जिसमें जिडन सैंचो का फर्स्ट लेग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेकंड लेग का परफॉर्मेंस भी अभी तक फर्स्ट हाफ तक तो अच्छा ही नज़र आया, लाइक ही ड्रिबल्ड पास्ट नूनो मेंडेस 2-3 बार एंड लो क्रॉसेस वगैरह डाला है। अब इसकी खबर रियल मैड्रिड से लिंक इसलिए हो रही है बिकॉज अपेरेंटली पापा पेरेस को दो बंदे रियल मैड्रिड के आस्क करे हैं टू साइन जिडन सैंचो। अब कहानी ऐसी है कि ऑब्वियसली जिडन सैंचो को बेचना चाह रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अभी तक डॉर्टमुंड ही समझ में आ रहा है कि उन लोग लोन एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जो डील का पूरा कहानी होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा डॉर्टमुंड के लिए, बट एक्सपेंसिव रियल मैड्रिड के लिए नहीं होगा। देर आर टू आइकॉनिक आप कह सकते हैं प्लेयर्स, जिडिन जिडान एंड जूड बेलिंगम, जिन्होंने पापा पेरेस से जो है वो ये गुहार लगाई है कि साइन जिडन सैंचो, ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर एंड ही विल शो हिज क्लास एट रियल मैड्रिड। आफ्टर लिसनिंग टू जिडन सैंचो एंड जिडिन जिडान, फ्लोरेंटिनो पेरेस वॉज नॉट दैट रियली मच कीन्ड टू मेक दिस मूव हैपन बिकॉज ही बिलीव्स दैट जिडन सैंचो शायद रियल मैड्रिड में अपनी पोटेंशियल को रीच ना कर पाए। सेकेंडली पैसे लगेंगे, थर्डली उस पोजीशन में अभी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है जिडन सैंचो जैसे प्लेयर की, एंड फोर्थली ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट क्या पता जिडन सैंचो बिगाड़ दे, बिकॉज हमने सुने हैं इंस्टेंसेस इसके प्रीवियस क्लब्स में कि इसका मैनेजर के साथ लफड़ा हो जाता है, ये हेल्दी नहीं रहता है, फिट नहीं करता है, और ये सब चीज़ें रियल मैड्रिड में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट शायद पेरेस का जो है वो भाई मन बदल जाए आफ्टर सीइंग दिस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस ऑफ जिडन सैंचो इन पीएसजी। अगर ये आज के सेकंड लेग में कुछ कमाल का करके दिखा देता है तो क्या पता फ्लोरेंटिनो पेरेस का मन बदल जाए, नोइंग दैट जूड बेलिंगम एंड जिडिन जिडान ने आस्क करा है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट या कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोनाल्डो के लास्ट डांस एट पुर्तगाल के बारे में। सो ऑब्वियसली यूरोस का मौसम आने वाला है एंड पुर्तगाल के किट्स जो हैं वो भाई ऑलरेडी लीक हो चुके थे। नाउ जो किट मैंने थंबनेल में लगाया है वो ऑब्वियसली पुर्तगाल का नहीं है, बट आज के जो फोटोशूट हुई है रोनाल्डो की उसका प्रॉपर फोटोज़ बाहर नहीं आए हैं। बट या रोनाल्डो हैड दिस ब्यूटीफुल फोटोशूट विद पुर्तगाल नेशनल टीम एंड ऑल दी प्लेयर्स जो पुर्तगाल के थे, जो ऑफिल एक्स, ओतावियो, एसेट्रा एसेट्रा, सब ने जो है ये फोटोशूट में भाग लिया।
नाउ इस फोटोशूट में भाग लेते हुए रोनाल्डो सीम्ड वेरी मच मोटिवेटेड एंड वी नो दैट दिस माइट बी द लास्ट चांस फॉर रोनाल्डो टू विन अनदर नेशनल ट्रॉफी. ऑलरेडी इन्होंने जो है वो नेशंस लीग जीता है और यूरोस एक बार जीता है. वंस अगेन यूरोस जीतने के जो है वो ब्रिंक में है. रिगार्डिंग द अपकमिंग वर्ल्ड कप, आई डोंट थिंक सो दैट रोनाल्डो विल प्ले इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप जो US में होने वाला है. बट ही इज रोनाल्डो, यू नेवर नो. ऑल्दो द परफॉर्मेंसेस ऑफ रोनाल्डो इन सऊदी अरेबिया हैज बीन ग्रेट रिसेंटली एंड ही इज द टॉप गोल स्कोरर इन सऊदी अरेबिया एंड ही हैज स्कोर्ड 40 प्लस गोल्स एंड असिस्ट. उनका गोल कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ रहा है इन द होल ऑफ 2023-2024 वाला सीजन. विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टेपिंग इन टू यूरोज, और यूरोज में अगर उनको एक प्रॉपर चांस दिया जाता है मैनेजर्स के द्वारा तो मुझको लगता है कि अगर पुर्तगाल यूरोज उठा लेगी तो रोनाल्डो का बैलेंड और जाए जीतने का चांस रहेगा. सऊदी में बहुत तगड़ा खेला है, टॉप गोल स्कोरर है और अराउंड दी वर्ल्ड भी टॉप गोल स्कोरर रहे हैं. तो अगर यूरोस उठा लेते हैं और यूरोस में अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो फिर रोनाल्डो जो है वो भाई ऑब्वियसली बैलेंड और के कैंडिडेट रहेंगे अलॉन्ग साइड जूड बेलिंगम, विनीशियस एंड अदर प्लेयर्स एज वेल. या दिस वॉज द न्यूज़ दैट उनको स्पॉट किया गया नए किड्स के शूट में एंड रोनाल्डो का लास्ट चांस होगा यूरोस के लिए. आखिरी खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो वो है विनीशियस जूनियर और अराउ का ये लफड़ा. छोटे से मैं कवर करूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है. सो स्पेनिश सुपर कप आपको याद ही होगा बार्सोना का, जो बार्सोना ने एल क्लासिको में डिफीट दिला करके जो है वो विन किया था शावी के एरा की आई गेस फर्स्ट ट्रॉफी बिफोर ला लीगा. उस ट्रॉफी के विक्ट्री के बाद अराउ को ये कैमरे पे बोलते हुए कैप्चर किया था कि न्यू एरा, एंड एवरीबडी थॉट कि हाँ ये न्यू एरा का बिगनिंग है बिकॉज बार्सोना जो है वो ट्रॉफीज अब अपने इन यंगस्टर्स के साथ उठाएगी. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा टर्न आउट नहीं हुआ. हम अगर अभी देख लें सिचुएशन को उस वक्त से, तो एवरी टाइम जब जब हमने एल क्लासिको खेला है रियल मैड्रिड एक क्लियर फेवरेट नज़र आई है और बहुत बार हमको हराई भी है विथ वेरी ह्यूज गोल मार्जिन्स एज वेल, जिसमें विनीशियस का हैट्रिक भी देखने को मिला है, जूड बेलिंगम की तरफ से ब्रेस भी देखने को मिला है. तो ऑब्वियसली क्लियरली रियल मैड्रिड बेटर साइड नज़र आई है आफ्टर रोनाल्डो अराउजो का स्टेटमेंट ऑफ दैट न्यू एरा आफ्टर डिफीटिंग रियल मैड्रिड स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में. नाउ दैट रियल मैड्रिड वॉन दी ला लीगा, विनीशियस जूनियर ने एक ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने रीट्वीट किया था एक रियल मैड्रिड फैन पेज का जो है वो ट्वीट, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि यंगस्टर्स ने कितनी सारी ट्रॉफीज़ जो है वो रियल मैड्रिड के साथ उठाई है, विच वॉज रियली भाई साहब माइंड बॉगलिंग. और उस रीट्वीट को वो कोट करते हुए लिखते हैं न्यू एरा, एंड ऑब्वियसली उसके कमेंट सेक्शन में सभी अराउ के उस क्लिप को जो है वो रीपोस्ट भी कर रहे थे. सो ये एक काइंड ऑफ ऑनलाइन आप कह सकते हैं ई लफड़ा टाइप था बिटवीन विनीशियस एंड अराउ, विच आई थॉट ऑफ लेटिंग यू गाइस नो बिकॉज ऑब्वियसली विनीशियस वर्सेस अराउ ऑन द पिच चलता ही है और विनीशियस नाउ दैट ही हैज़ द बेटर एज वो ऑनलाइन फ्लैक्स कर रहा है. तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में शेखर डेकर पीस, होपफुली तबियत बेटर हो जाए. बाय. की नॉलेज दिमाग में चैनल भरा गया जुनून से फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ.